उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार सत्ता में आने से पहले किसानों को कर्ज माफी को लेकर बड़े बड़े वादे करती आ रही थी, पर वहीं अब उन्हीं वादों से योगी सरकार पीछे हटने लगी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लघु एवं सीमांत किसानों की कर्ज माफी योजना अब बंद करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने योजना बंद करने के सवाल पर कहा कि जब कोई योजना सफलतापूर्वक पूरी कर दी गई है तो उसे बंद कर देना ही ठीक है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक सरकार ने योजना के अंतर्गत किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया है। इस योजना के तहत किसान कर्ज माफी किस तरह की गई यह किसी से नहीं छुपी है। जहां 1 लाख की जगह किसानों को 50 और 100 रुपए माफ होने की खबर आई थी, यहां तक कि बागपत में एक किसान को सिर्फ 8 पैसे और बिजनौर के किसान के सिर्फ 9 पैसे ही माफ हुए थे। 50 और 100 रुपए माफ होने वाले किसानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लगातार इस योजना के तहत किए जाने वाले घोटाले का सच सामने आने लगा, जिसको लेकर मामला अभी जांच अधिकारी तक ही सीमित है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान बेहद ही बचकाना है कि किसान कर्ज माफी योजना एक सफल योजना रही है और उसे बंद कर देना चाहिए। सरकार को ये योजना जरूर बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे किसानों का कुछ अधिक लाभ तो नहीं हुआ, बल्कि योगी सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों की जेब जरूर भरी है। योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक पिछले 2.5 साल में उन्होंने किसान कर्ज माफी योजना के तहत 43 लाख किसानों का लगभग 25,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है। हालांकि अभी भी करीब 5 लाख आवेदन लंबित हैं, जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सरकार ने जिलाधिकारी और बैंकों से फर्जी व्यक्ति के योजना के लाभ लेने की जांच करने के भी आदेश दिया है। साथ ही एक भी कर्ज माफी का लाभार्थी न छूटे, इसकी भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। कर्ज माफी के लाभार्थियों का आवेदन लंबित होने की वजह गलत खाता संख्या बताई गई है, इसका मिलान किया जा रहा है। जल्द ही छोटे किसानों की शिकायतों की जांच और पात्र किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके आगे और भी किसानों के लिए कार्यक्रम है, उसे देखा जाएगा। पिछले काफी समय से छोटे किसानों की शिकायतों की जांच और पात्र किसानों को लाभ पहुंचाने की कार्यवाही चल रही है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफ़ी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। Patreon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पेट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पेट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पेट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पेट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।